अस्सलाम वालेकुम खाला। माँ के घर गए, कुछ पता चला? वापस आ गई है वो? हाँ गया तो था, लेकिन वो तो वापस नहीं आया। मेरा ये मुर्तसिम खान कौन है? क्या हुआ? खैरियत तो है? किसका मालूम कर रहे हो? खाला इसने हमको फोन करके कहा था कि इसके दोस्त के घर जाओ और पता करूं कि वो लंदन से वापस आया कि नहीं आया। वो तो वापस नहीं आया, लेकिन वहां हमको एक लड़का मिला। मुर्तसिम खान, वो ढूंढ रहा है इसको। क्या लगता है वो तुम्हारा? कुछ नहीं। कैसे कैसे कुछ नहीं लगता? पूरे शहर में ढूंढ रहा है वो तुम्हें। खाला ये जो मुर्तसिम खान है ना, ये कोई आम बंदा नहीं है, बहुत असर रसूख वाला मालूम होता है। मुझे अड्डे से पता चला पूरे शहर में उसके आदमी पहले हुए हैं। और पुलिस वाले इसको ढूंढ रहे हैं बस के अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर, अस्पताल में, पता नहीं कहां कहां। वो ढूंढ रहा है इसको पूरे शहर में, ये कहता है ये उसको जानता नहीं है। खाला हमने इसका कितना साथ दिया और आगे भी देंगे, लेकिन ये हमसे कुछ छुपा रही है, हमें सच नहीं बताती। तुम देख लो, हम पूछते हैं तुम्हारे घर वाले किधर हैं, कहती मेरा कोई है ही नहीं। हम पूछते हैं तुम्हारे माँ बाप किधर हैं, कहती मेरे माँ बाप भी नहीं। अब ये मुर्तसिम खान, उसके बारे में भी अनजान बनी हुई है ये। खाला मुर्तसिम खान का बस नहीं चल रहा कि वो किसी को पकड़ के सूली पे लटका दे। मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही। मुर्तसिम खान वो है जिससे मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते थे और मैं नहीं चाहती थी। मुझे मंजूर नहीं था, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गई। लेकिन खाला हमको लगता है वो इसको ढूंढ लेगा। मेरा कब तक चुपते फिरोगे? होगा वो कितना भी ताकतवर, लेकिन अगर मीरा उसके साथ नहीं जाना चाहती तो ये नहीं जाएगी। अब इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। और अगर ये मुर्तसिम से शादी नहीं करना चाहती तो इसे कोई मजबूर नहीं करेगा। ढूंढता फिरे वो, नहीं मिलेगी ये उसे। और बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
दिन निकल आया है। कल के गए हुए हो, कहाँ थे तुम? याद मत दिलाओ मुझे, हर रात आजाब और हर दिन पछतावा है मेरे लिए। तुम क्यों पछता रहे हो? तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया मीरब के साथ, वो छोड़ के गई है तुम्हें रोहेल के लिए। तुम्हें उससे नफरत करनी चाहिए। जैसे मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं होता, वैसे ही नफरत करना भी हमारे बस में नहीं होता। तुमसे बेहतर ही कौन जान सकता है यार। अगर ढूंढना ही है तो रोहेल को ढूंढो, मीरब उसके साथ मिलेगी तुम्हें। मैं तो समझती थी अनवर की बेटी बदतमीज है, बदजुबान है, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो बदकिरदार भी है। तुम पे मैं हैरान हूं मुर्तसिम कि तुम ये सब जानते थे, अच्छी तरह जानते थे तुम कि उसने तुमसे शादी से इनकार क्यों किया था और वो अब तक रोहेल से रابطे में थी। इस तल्ख हकीकत को जानते हुए भी तुमने अपनी बंदूक की एक गोली खर्चने की इस पर? ये गैरत का मामला नहीं है मुर्तसिम, ये इज्जत का मामला है। तरह से उन्हें तलाश करने की कोशिश की है। आई थिंक इसकी सिर्फ दो रीजन हो सकती हैं, या तो वो शहर छोड़कर जा चुके हैं या फिर वो किसी दोस्त के घर छुप कर बैठे हो। तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया मीरब के साथ, वो छोड़ के गई है तुम्हें रोहेल के लिए।